यहाँ से थोड़ी दूर उत्तर कोरिया का एक मछुआरा पानी में आगे बढ़ रहा है। पानी की एक तरफ चीन है, जहाँ से आप दूसरी तरफ उत्तर कोरियाई लोगों की मुश्किल जिंदगी की झलक पा सकते हैं। एक परमाणु हथियार संपन्न देश, जहाँ एक ट्रैक्टर भी नहीं दिखाई दे रहा। एक गरीब देश, इसके बारे में हमें बताया गया कि उस पर लगे कड़े प्रतिबंध उसके नेता को बातचीत के लिए मजबूर कर रहे हैं। पर चीनी सीमा पर बसे कस्बों में हमें एक अलग कहानी देखने को मिली। उत्तर कोरियाई सी फूड, जिस पर पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा दिया था, यहाँ खूब मिल रहे हैं, जिसका खुलेआम प्रचार हो रहा है। क्या इसे बेचने से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं? संभावना कम है, जवाब मिलता है। शेफ ने तो इस प्रतिबंधित केकड़े को पकाने का तरीका भी दिखाया। तो इन केकड़ों को स्मगल किया गया है? बिल्कुल, इस शख्स ने मुझसे कहा। जहां चीन और उत्तर कोरिया खुले तौर पर अपनी दोस्ती का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चिंता जता रहे हैं कि प्रतिबंध बेअसर साबित हो रहे हैं। पर चीन को संभल कर चलने की एक अच्छी वजह मिल गई है। फिलहाल उत्तर कोरिया के गार्ड्स बॉर्डर पार करने वालों पर निगाह रख रहे हैं। अगर उत्तर कोरिया की हालत बिगड़ी तो यहाँ लोगों का सैलाब आ जाएगा। बॉर्डर पर लगे ये बाड़ बस नाम के लिए ही हैं। ये इंसानों और सामानों के आने जाने में शायद ही कोई रुकावट डाले। कई जगह तो बाड़ है ही नहीं। इस सब से अमेरिकी राष्ट्रपति का वो शक सही लगता है कि चीन उत्तर कोरिया से अपने पुराने रिश्ते बनाकर रखना चाहता है। चीन के एक शहर में हमें सीमा पार हो रहे कारोबार के और सबूत मिलते हैं। ये उत्तर कोरियाई मजदूर। मैंने पूछा, यहाँ कैसा लगता है? वो बात नहीं करना चाहते। ऐसे मजदूरों के साथ गुलामों जैसा सुलूक होता है। इनकी ज्यादातर कमाई सीधे सरकार के पास जाती है। और उत्तर कोरिया की तरफ से देखें तो उसकी अर्थव्यवस्था दुरुस्त चल रही है। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फैक्ट्रियां चल रही हैं। ऐसे वक्त जब हर ओर उत्तर कोरिया के भविष्य को लेकर चर्चा हो रही है, चीन ये दिखा रहा है कि वो अपने दम पर पलड़ा किसी भी तरफ झुका सकता है।